नमस्कार दोस्तों, कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से बोलता हुआ नजर आने वाला है आखिरकार इस समय रणबीर प्राची से, कि प्राची मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार तुमने मेरी जमानत किस लिए कराई है, तुम्हारा क्या रीजन रहा है। आप लोग जानते ही हैं कि आने वाली कहानी एक बार फिर से दिलचस्प ट्विस्ट से भरी होने वाली है, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से सभी लोग कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति में नज़र आ रहे हैं। और कन्फ्यूजन की स्थिति क्यों है ये भी आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि बात की जाए तो रणबीर की जमानत किसी भी तरीका से नहीं होती अगर प्राची वहाँ पर नहीं पहुँचती। और वहीं पर बात की जाए प्राची की, तो प्राची ने सिर्फ और सिर्फ खुशी के लिए ही ये सब कुछ किया है, क्योंकि खुशी ने बोला था कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी, सिर्फ तुम मेरा इतना सा काम कर दो कि शिव को जेल से बाहर निकलवा दो। और वाकई में दोस्तों खुशी के लिए ये सब कुछ किया है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि फिर से आने वाली कहानी एक नया नज़रिया पेश करती हुई नज़र आने वाली है। बात की जाए इस समय तो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों वहीं रणबीर की बात की जाए तो रणबीर जेल से छूटने के बाद में सीधा जाएगा रिया के साथ में, वहीं प्राची जाएगी अक्षय के साथ में, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि कहानी एक बार फिर से दिलचस्प मोड अटक चुका है। और दिलचस्प मोड वैसा ही नहीं है, बल्कि इस समय जल्दी ही आखिरकार आप लोगों को देखने को मिलेगा कि बात की जाए प्राची की, तो प्राची अपने मकसद के लिए ही एक नई चीज़ उसने क्रिएट करने के लिए सब कुछ किया है। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में देखने को मिलेगा कि प्राची बोलती हुई नज़र आने वाली है रणबीर से कि रणबीर एक काम करो, हम साथ रह सकते हैं अगर खुशी को पाना है दोनों के मकसद में। जी हाँ, क्योंकि खुशी दोनों की ही बेटी है दोस्तों। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताइए गाइस कैसे लग रही है मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।